This news is brought to you by La Montessori Chain of Schools Grooming Students to Excellence. जोगिंद्रनगर में नगर परिषद द्वारा उपभोक्ताओं को निशुल्क कूड़ादान वितरण का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्षा ने किया है, जिसके चलते नगर परिषद वार्ड नंबर 4 में डस्टबिन प्रदान किए गए हैं। बताते चलें कि नगर परिषद अब उपभोक्ताओं से गीला व सूखा कचरा अलग अलग लेगी। प्रथम चरण में 1200 उपभोक्ताओं को 2400 डस्टबिन प्रदान किए जाएंगे। नगर परिषद के 7 वार्डों में कुल 1700 परिवार रहते हैं, उन्हें क्रमवार तरीके से ये डस्टबिन उपलब्ध करवाने की नगर परिषद की योजना है, ताकि कूड़े को उपभोक्ता सूखा व गीला अलग अलग नगर परिषद के सफाई कर्मियों को प्रदान करें। जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग 200 परिवारों को डस्टबिन बांटे जा चुके। इसके पीछे नगर परिषद की सोच ये है कि जो लोग हैं वो अपना घरों का कूड़ा अलग अलग के छांट छांट के दें, सूखा कूड़ा अलग से और गीला कूड़ा अलग से। इस मुहिम को नगर परिषद जोगिंद्र नगर ने जारी रखा है। इसके लिए जो पैसों का प्रावधान है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा किया गया है। अभी तक नगर परिषद ने 2400 डस्टबिन जो है वो क्रय कर लिए हैं, जो कि सूखे और गीले के लिए अलग अलग से हैं। परिषद की जो डिमांड है लगभग 4000 डस्टबिन की है, तो 2000 परिवारों को जो है वो ये डस्टबिन दिए जाएंगे। हर परिवार को दो दो डस्टबिन दिए जा रहे हैं, एक गीले कूड़े के लिए और एक सूखे कूड़े के लिए। और साथ में हम ये भी निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड हैं, वो अपना गीला कूड़ा जो है वो लग से डस्टबिन डालें और सूखा कूड़ा जो है वो लग से डस्टबिन डालें। नगर परिषद ने मछयाल में एक ऑर्गेनिक बेस कंपोस्टर मशीन का लगा दी है, जिसमें जो है उसका खाद का निर्माण किया जाएगा। तो नगर परिषद की यही है कि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके, और इस आवेदन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु इसके बावजूद भी अगर कोई हाउस होल्ड अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं देता है तो उसके जो है वो चालान किए जाएंगे। तो मेरी शहरवासियों से अपील रहेगी कि अब उनको कूड़े के जो है डस्टबिन दे दिए हैं, तो वो अपने घरों का कूड़ा जो है गीला अलग से और सूखा अलग से देने की कृपा करें। सर, अगर कोई जो है गीला और सूखा कचरा अलग से नहीं देता है तो फाइन की क्या रखा गया है, कितना फाइन जो उनको? उसका मिनिमम फाइन जो है वो 500 रुपये किया जाएगा और मैक्सिमम जो है वो 1000 और 1500 रुपये चलान उनका किया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता। तेरह फरवरी से प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू, विजेताओं को मिलेगा 1,00,000 तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर। रेडियो पार्टनर बिग एफएम